और सबसे पहले आपको बता दें, असम और मिजोरम के बीच जारी तनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो मिजोरम के राज्यसभा सांसद के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने जा रहे हैं। असम के सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि सांसद के खिलाफ दर्ज मामला वापस लिया जाए। हालांकि आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल मिजोरम के मुख्यमंत्री के शांति चाहने वाले बयान के बाद सरबा ने कहा था कि हम पूर्वोत्तर की भावना को जीवित रखना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ असम और मिजोरम के बीच लगातार गतिरोध जारी है। ताजा मामले में मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री लाल थांगलियाना ने असम पर नए आरोप लगाते हुए कहा कि असम मेडिकल सप्लाई वाली गाड़ियों को मिजोरम में प्रवेश करने से रोक रहा है। हालांकि असम ने इन दावों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल कोई भी संगठन राज्य में नाकेबंदी नहीं कर रहा है। इस बीच केंद्र ने कहा है कि असम और मिजोरम सीमा पर हुए खूनी संघर्ष की जांच सीबीआई से कराने की फिलहाल कोई योजना नहीं है, क्योंकि इससे इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि कल असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। और केंद्र सरकार ने सीमा विवादों को निपटाने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं को तय करने का फैसला लिया है, जो अक्सर चिंता का सबब बनते हैं और कभी कभी ये विवाद हिंसक भी हो जाते हैं। दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि ये काम नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को दिया गया है, जो कि अंतरिक्ष विभाग और पूर्वोत्तर परिषद की संयुक्त पहल है। केंद्र के अनुसार सैटेलाइट मैपिंग हो जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं खींची जा सकती हैं और विवादों को हमेशा के लिए सुलझाया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी लेकर अरिंदम दास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरिंदम, गुड मॉर्निंग। यस्टरडे वी सॉ सम काइंड ऑफ डीएस्केलेशन हैपनिंग फ्रॉम द मिजोरम साइड व्हेन दे अनाउंस दैट दे आर मलिंग टू विथड्रॉ द एफआईआर अगेंस्ट द एसएमसीएम, एंड टुडे मिजोरम गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ रिटर्निंग द फेवर बाय अनाउंसिंग दैट बेग योर पार्डन द असम गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिटर्न द फेवर बाय अनाउंसिंग दैट दे आर गोइंग टू विथड्रॉ द एफआईआर अगेंस्ट द मिजोरम एमपी। सो वी कैन actually now understand that the situation is finally de-escalating after days of standoff? Yes, this was a very necessary step that was required from both the governments because after 26th of July's firing incident in which Assam police personnel lost their lives besides another civilian losing his life and 50 others got injured, there was war of words between both the governments. There were FIRs filed against each other. There were summoning letters sent to each other's state government officials and police officials. So definitely, yesterday, Mizoram government has stated that they are mulling to withdraw the FIR filed against Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. And this morning, Himanta Biswa Sarma, Assam Chief Minister, has tweeted that as a goodwill gesture towards that favor from Mizoram side, Assam government is also right now directed the Assam police department to withdraw the FIR against the lone Rajya Sabha MP from Mizoram, K. Vallalvena. So definitely this is a step towards de-escalating the border tension between Assam and Mizoram, which has been brewing for quite some long time. Right. Thank you, Arindam, for sharing all those details.